साथियों नमस्कार। जो भी स्टूडेंट टेक्निकल एल पर भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं उन स्टूडेंट से इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखो 2022 में जो भर्ती आई उस टाइम में भी पदों की संख्या कम थी, उससे पहले भी अपन लोगों ने कई आंदोलन किए, सभी ने मिलकर किए, उसके बाद में भी जून महीने में 2022 के अंदर बहुत तगड़ा 7-8 दिन आप लोगों का आंदोलन चला और बहुत से बच्चे जेल भी गए, उपेन जी भी जेल भी गए। अब वापस से वो भर्ती आपकी कंप्लीट हो गई, बच्चों ने ज्वाइनिंग कर ली, उसमें कुछ विसंगतियाँ भी रही, ये अपन लोग उसके लिए भी अपन ने किया लेकिन उसका कुछ हो नहीं पाया। अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग नई भर्ती अपन लोग सभी लोग चाहते हैं और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो उसका आपका सीधा साफ तरीका यह है, किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और जो भला बुरा कहते हैं वो तो इंसान ही नहीं है पहली बात तो, क्या शब्द बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो एक अच्छे इंसान तो नहीं होने चाहिए। लेकिन खैर छोड़ो, उन बच्चों का कुछ उठने वाला भी नहीं है और मैं विशेषकर कह ही देता हूँ कि बुखार टाइप के होते हैं, हर गली में हर मोहल्ले में हर परिवार में हर गांव में हर स्तर में वो बच्चे मिल जाते हैं, उनसे हमें कोई गिला शिकवा भी नहीं है, वो हजार बात के हैं। लेकिन जो ईमानदार स्टूडेंट है, पिछली बार जिन स्टूडेंटों का स्कोर 100+ था, बहुत से बच्चे हैं जिनके 108 आए, 109 आए, 110 आए। साथियों आप लोग 15-16 हज़ार की संख्या में थे और जब ये कहा जाता है कि एक बार आप लोग उपेन जी से मिल लो, 15-20 लड़के जा करें उपेन जी से मिल लो, महेंद्र जी सर से जयपुर में मिल लो, मैंने एक बार यहाँ कहा था कि मेरे पास में आकर आप लोग 10 स्टूडेंट मिल लो, उसके बाद में कोई रणनीति आप लोगों की बनाई जाएगी। जब 20-25-40-50 बच्चों का एक जगह आप लोगों का इकट्ठा बात होगी कि कहीं भी उन बच्चों को बुलाया जाए तो सिंगल शॉट में मैसेज डाल दें और वो बच्चे 10-20 घंटे में उपस्थित हो जाएं। आपको मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, CITS में जो कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती आ रही है उस भर्ती के लिए 2-4 लोग हैं वो पिछले 2-3 साल से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो अभी भी मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप लोग कोई भी जो है डेट में डिसाइड कर देता हूँ, आप लोग संडे का रख लो, अभी जो सामने आप लोगों का रविवार आ रहा है, जो भी आपका संडे आ रहा है तो संडे को आप लोग 10-11 बजे आपको जयपुर में उपेन जी भी मिल जाएंगे और उपेन जी नहीं मिलेंगे तो आप लोग महेंद्र जी सर तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को। और मान लो आप लोग इकट्ठे होंगे और संडे को जो डेट डिसाइड करेंगे समय तारीख होगा, बिल्कुल हम लोग तो आगे की पंक्ति में मिलेंगे, पहले भी मिले और अब भी मिले, एक बार आप लोग आके मिल लो, मैं भी आ जाऊँगा। और फिर आपको ही पता है कि एक एक जुड़ते जुड़ते आप लोगों के सारे लोग आपके बन जाएंगे, लेकिन आप लोग कम से कम आप तैयार तो रहो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग संडे को जयपुर आप लोग 20-50 बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संख्या में आए, बैठ कर 10-20-50 मिनट बातचीत करते हैं, उपेन जी से बातचीत करते हैं और फिर अपन लोग देखते हैं। हाँ, अगर अपने में एकता रही और अपन लोगों ने अच्छा प्रयास किया और प्रयास में आप लोग ये कहोगे कि आप लोग सर बस में भर के आप लोग बच्चे लेके आ जाओ, ये कतई पॉसिबल नहीं है। क्यों आएंगे भाई वो बच्चे? बहुत से ऐसे बच्चे हैं पहले भी आंदोलन में एक भी दिन नहीं आए और वो बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं, ये तो दुनिया का मुहिम है। जब आप लोग अपने घर वालों की नहीं मानते हो तो कोचिंग में स्टूडेंट हमारे कहने से वो जयपुर क्यों जाएगा वो खर्चा करके? और एक बार का काम तो होता नहीं कि भाई एक बार आने से ये चीज़ें सारी चीज़ हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, आपका काम है, हम लोग पहले भी आगे थे और आप अब भी आगे मिलेंगे। तो मैं तो वापस से बोल रहा हूँ कि कोई भी किंतु परंतु किए बगैर जिन स्टूडेंटों को ये लग रहा है कि हाँ बिल्कुल भर्ती आनी ही चाहिए, और भर्ती बिल्कुल आएगी यार, हरियाणा में देखो आप लोग 5-6 हज़ार पदों पर आप लोगों का सिस्टम चल रहा है HSSC ALM का, तो लगभग आ सकती है, क्यों नहीं आएगी आप लोगों की भर्ती? लेकिन उसके लायक अपने को माहौल बनाना पड़ेगा। तो संडे को आप लोग 11 बजे बिल्कुल मिलो आप लोग जयपुर, बिल्कुल हम लोग भी वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, आइए आप लोग लेकर बातचीत करते हैं, उपेन जी से बातचीत करते हैं, क्या प्रोग्राम रहता है उस चीज़ को हम लोग सेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।